दोस्तों आपको पता ही है कि मैं कंपनी के ऊपर काफ़ी सारी वीडियो बनाया हूँ। यंग फैशन वैल्यू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये भी कंपनी फ्रॉड है, तो मैंने इस पर भी वीडियो बनाया हूँ। मैंने ऐसे ही वीडियो नहीं बनाया, मेरे साथ घटना हुआ है, मतलब ये है कि मेरे साथ भी फ्रॉड हुआ है, तभी मैं वीडियो बनाया हूँ और काफ़ी सारी वीडियो मैंने बनाया हूँ। और वर्क इंडिया और अपना जॉब पर फ्रॉड काम कैसे होता है, इस पर भी मैंने वीडियो बनाया, काफ़ी इंटरव्यू दिया है मैंने। ऐसे नहीं बनाता मैं वीडियो, किसी भी कंपनी के ऊपर मैं वीडियो ऐसे नहीं बनाता, जब तक मेरे साथ कोई घटना नहीं होता तब तक मैं वीडियो बनाता ही नहीं। तो कुछ ऐसा ही घटना मेरे साथ हुआ था एक साल पहले। क्या हुआ था कि मैं बेरोजगार था और मुझे भी जॉब चाहिए था, मतलब मुझे काम चाहिए था। तो मैं अपने दोस्त को बोला कि कोई भी जॉब मिलेगा ना तो मुझे ज़रूर बताइए। तो मेरा दोस्त का दोस्त था, तो उसने उसको बोला कि जॉब है लेकिन देहरादून में है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में है। तो उसने बोला कि अपने दोस्त को बोलियो रिज्यूम तैयार करके रखेगा और जब भी मैं रिज्यूम मांगूंगा वहां पर आपको भेजना पड़ेगा, और वहां पर सैलरी भी अच्छा खासा 22,000 से लेकर 25,000 के बीच में सैलरी है। तो मेरे दोस्त ने सारी चीज़ें बताया कि मतलब देहरादून में जॉब है लेकिन ये है कि तेरे को वहीं पे रहना पड़ेगा और खाना पीना सब कंपनी उठाएगी, बस तुझे काम करना है। तो मैंने सोचा देहरादून जो है पहाड़ों के बीच में पड़ता है और नेचर से घिरा हुआ है, प्रकृति का नज़ारा भी देखने को मिलेगा। तो मैंने काफ़ी सोचा, फिर मैंने अपने दोस्त को बोला हाँ मैं देहरादून रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं देहरादून भी काम कर लूँगा। तो मेरे दोस्त ने उसको फ़ोन किया होगा कि हाँ जो मेरा दोस्त है वो तैयार है, तो उसने बोला कि अभी वैकेंसी खाली नहीं है। तो मुझे भी लगा कि शायद अभी वैकेंसी खाली नहीं होगा, लेकिन 2-3 दिन बाद मेरे दोस्त ने मेरा नंबर दे दिया था, तो उसने मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज किया कि वैकेंसी अभी खाली है, रिज्यूम सेंड कर दो। मैंने रिज्यूम सेंड कर दिया। जब रिज्यूम सेंड करने के बाद मेरी उससे बात हुआ तो उसने बोला कि आपका अगर रिज्यूम सेलेक्ट होता है तो आपके पास कॉल आएगा इंटरव्यू के लिए। तो मेरा जो रिज्यूम है सेलेक्ट हो गया था। सेलेक्ट किया होगा, वो सारे लोग तो फ्रॉड ही थे। तो मेरे पास एक लड़की का फ़ोन आया, कह रहा है कि राम अवध जी आपका जो है ना रिज्यूम सेलेक्ट हो गया है और आप मतलब शाम को ही निकल जाओ। सुबह फोन आया और कह रही शाम को निकल जाओ देहरादून, और एड्रेस आपको सेंड कर देंगे, उसके बाद उसी एड्रेस पर आपको आना है और जल्दी आ जाना क्योंकि आपका सुबह का इंटरव्यू है। तो मैं भी जल्दी जल्दी तैयार हुआ, फटाफट तैयार वार होके शाम को निकल गया कश्मीरी गेट से देहरादून। जब देहरादून पहुंचा तो पहुंचने के बाद वो लड़का लेने आया मुझे, लेने आया फिर थोड़ा सा मैंने आराम किया, सफ़र करके आया था। उसके बाद क्या हुआ कि मुझे कहीं ना कहीं लगने लगा कि यहाँ कुछ ख़राब सिस्टम है। जब तक पूरा अनुभव होता उससे पहले मेरे से 2500 रुपये ले लिया उसने। जब 2500 ले लिया तो फॉर्मल ड्रेस में मैं गया, मैं सोचा इंटरव्यू है। जैसे ही पहुंचा तो वहां पर आवाज़ आ रहा यस या नो, यस या नो, यस या नो, हम ये BMW ले लेंगे, तो हम ये ले लेंगे, हम फरारी ले लेंगे, हम करोड़ों में खेलेंगे, हम वो खेलेंगे। तब मैं समझ गया साला नेटवर्क मार्केटिंग है, ज़िंदगी उजड़ जाएगी इसमें। तो मैं करता भी क्या, बेमन की तरह वहाँ पे बैठा। बैठने के बाद भाई जिसको भाषण देने नहीं आता, बोलने नहीं आता, बोलने का तरीका नहीं है, वो चले हैं भाषण देने। एक दो एप्पल का फ़ोन दिखाएं ऐसे, शायद वो एप्पल का फ़ोन था या नहीं था, लेकिन पीछे बैग की साइड से दिखाए ताकि लोगों को लगे कि हाँ हम बहुत पैसा कमाए हैं, और काफ़ी सारा मिसाल दे रहे हैं, आप करोड़ों में खेलोगे, अरबों में खेलोगे, आप पैसा ही पैसा कमाओगे, बहुत पैसा कमाओगे, दुनिया में सबसे ज़्यादा अमीर आप ही हो जाओगे, ऐसा ऐसा मिसाल देता है।
बुद्धि भ्रष्ट कर देता है, बुद्धिहीन हो जाएगा आपका। बार बार बुद्धि पर दबाव दिया जाता है, सारे एक गुट के ही होते हैं, एक समूह के ही होते हैं, सारे के सारे फ्रॉड होते हैं, मतलब एक ही भाषा बोलेंगे और सब आप पर निगरानी रखेंगे कि कहीं जा तो नहीं रहे। रात रात भर आप पर मतलब निगरानी रखा जाएगा कि कहाँ जा रहे हो, क्या नहीं जा रहे हो। और उनका काम ही है लोगों के साथ फ्रॉड करना। किसी का जब मेरे पास मैसेज आता है ना व्हाट्सअप पे, वो व्हाट्सअप पे नहीं इंस्टाग्राम पे, तो किसी का बताते हैं कि यूट्यूब वो वीडियो के नीचे भी काफ़ी मैसेज आता है कि भैया मेरा 50,000 चले गए, कोई कहता है 70 चले गए, कोई कहता 10,000 15,000 20,000, तो मुझे दुख होता है। तो मुझे लगा भाई साहब इंडिया में भी इतना बड़ा झोल है, वो भी नेटवर्क मार्केटिंग था, वो भी तगड़ा वाला फ्रॉड करने वाला नेटवर्क मार्केटिंग। तब मेरे को समझ में आया, तो मैं वहाँ से 5-6 दिन रहा, उन सब का गुट देख लिया मैंने, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। आप अगर आपको बुला रहा तो कभी मत जाना। मैं वहाँ पूरा झोल देखा कि पूरा का पूरा झोल है, वहाँ लड़कियाँ भी रहती है और लड़कियाँ आपके पास इम्प्रेस करने आएगी, मतलब आपको कहेगी आप भी करिए ना जॉब, आप भी करो ना, आपको हाथ पकड़ेगी, कभी कुछ पकड़ेगी, मतलब आपको आकर्षित करेगी कि ताकि ये ठहर जाए। भाई ये गलती कभी नहीं करना आपको, चाहे लड़की बोले, चाहे लड़का बोले, चाहे कोई भी बोले, किसी पर भी भरोसा नहीं करना। उसके बाद मैं आया दिल्ली, दिल्ली में आते ही मैंने वीडियो बना दिया कि यंग फैशन वैल्यू प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी फ्रॉड है। मुझे नहीं पता था वो वीडियो पे 90,000 व्यूज चला जाएगा, और अच्छा खासा व्यूज गया उस वीडियो पे, और काफ़ी लोग जुड़े हैं कि ये कंपनी सच में फ्रॉड है। लेकिन कभी कभी मेरे पास मैसेज आता है कि ये लड़का ही गलत है। दोस्तों मैं गलत नहीं हूँ, अगर मैं गलत होता ना तो मैं वीडियो ही क्यों बनाता, मेरे को लोग खुद गाली देते वीडियो के कमेंट में। लेकिन मुझे उल्टा सीधा वो लोग बोल रहे हैं जो कंपनी वाले हैं, अदर कोई भी बंदा नहीं बोल रहा है मुझे। उनको पता है जो लोग वहाँ पर गए हैं, जो लोग वहाँ पर रह के आए हैं, और काफ़ी लोग से मेरा संपर्क हुआ है जो 6-6, 7-7, 8-8 महीने रह कर अपनी ज़िंदगी ख़राब कर दिए, नरक बना लिए अपनी ज़िंदगी को उस कंपनी के पीछे। तो आपको ये गलती नहीं करना, इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। और काफ़ी लोगों के घर वालों का भी फ़ोन आता है, मेरे से पूछा जाता है कि लड़का सुरक्षित रहेगा या नहीं रहेगा, ये सारी चीज़ें। तो लड़का सुरक्षित रहेगा, लेकिन उनका काम है फ्रॉड करना, और किसी तरह का वो नुकसान नहीं करेंगे, बस वो पैसे से मतलब रहता है उस कंपनी वालों के लिए। बाकी के लिए इतना ही, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगा। तो जय हिंद।